हेलो एवरीवन वन अगेन वेलकम टू आलोक फिजिक्स आलोक फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है अगर आप मेरे पूरे इंटायर फिजिक्स को विथ कंपटीशन चाहे आप इलेवेंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो आप इलेवंथ ट्वेल्थ के सेपरेटेड स्टेट वाइज और सीबीएसई जो एन वगैरह है उनके उनके भी लिए अटेंड कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है मेरे पास और मेरी जो सारी कोर्सेज़ हैं आप लाइव अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर विद्याकुल पर और अन अन्यडमी पर ठीक है अगर आपको मेरे सारे कोर्सेस अगर चाहिए किसी भी एक कोर्स में आप इन होना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपना इनमेंट करवा लीजिए ठीक है और बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं ठीक है थीके? मेरा जो कोर्सेस है आपको इलेवन ट्वेल्थ के साथ साथ आई आई टी जी नीट के लिए प्रिपरेशन कराएगा हिंदी इंग्लिश दोनों डिफरेंट डिफरेंट बेचेस चल रहे हैं ठीक है ओके थैंक यू हेलो एवरीवन अगेन वेलकम टू आलोक्स फिजिक्स एंड दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज के सेशन में हम बात करेंगे आवेशों का वितरण ये आवेशों का जो वितरण है उसको पढ़ना जरूरी क्यों है ठीक है ये दिमाग में आता होगा कि आवेशों का वितरण जो है इस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है तो ध्यान रखें आवेशों का वितरण अभी अगर पढ़ लेंगे आप ना तो आगे चल के इसी टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो याद रखना ग्रोसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट आते ही है उसमें से तो उसको समझने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका है क्या चार्ज को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना ठीक है तो आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे आवेशों का वितरण ठीक है आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है ठीक इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपन फटाफट इसको अपन समझते हैं और अच्छे से समझना साथ में नोट्स बनाते हुए चलना इसका पूरा का पूरा जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है पीडीएफ फॉर्म में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेशों का निरंतर वितरण आवेशों का निरंतर वितरण ये होता क्या चीज़ है कैसे होता होगा तो इसको समझने के लिए आप एक बात को समझ लें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हम इसको लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है मान लो कि मेरे पास क्या है एक तरबूज है ठीक है एक तरबूज देखें ना अपन तरबूज वाटर तो उसके जो बीज होते हैं जो सीड्स होते हैं जो बीजा होते हैं उसके वो सीड्स कैसे होते हैं वो एक ही जगह पे पूरे चार सभी सीड्स रहते हैं कि हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं यस वो हर जगह पे क्या होता है समान रूप से वितरित रहते हैं समझ में आ रहा ना वो हर एक ही पॉइंट में रहते हैं वो हर जगह पर क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं क्या किसमें वाटर सीड्स में, में. वाटर मिलन में जो सीड्स हैं तरबूज में जो बीजें हैं वो हर जगह पर क्या होता है समान रूप से वितरित होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर कोई चालक है कोई कंडक्टर है या फिर कोई एक ऐसा सामान है जो वो चार्ज है जिसके पास बहुत आवेश है ठीक है हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर या कोई ऐसा डिवाइस है या कोई ऐसा वस्तु है जिसके पास बहुत आवेश है बहुत क्या आवेश है ठीक है तो उसका ये जो आवेश होगा ना वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा एक ही जगह पे पूरा का पूरा कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रहेगा वो क्या करता है अपने सभी साइट इक्वली क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कंटिन्यूसली ठीक है उसी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन को अपन अभी बात करने वाले तो बात यहाँ तक समझ में आ गया तो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है किसी बॉडी में तो वो चार्ज एक जगह पे नहीं रहता अगर चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है चार्ज की मात्रा ज़्यादा है तो चार्ज क्या करता है सभी दिशाओं में सभी जगह पे समान रूप से निरंतर वितरित करता रहता है कंटिन्यूअसली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी चीज़ को लेके आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ तक समझ में आ गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैं आपको बता दे एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दिया कि होता क्या चीज़ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में <clears throat> मान लो कि अगर कोई स्पेयर है ठीक है स्पेयर को अगर मैं क्या कर रहा हूँ अगर मान लो स्पेयर है और एक छोटा सा पॉइंट है एक छोटे से पॉइंट में ये पॉइंट चार्ज है मान लो ये क्या एक पॉइंट चार्ज है मतलब बिंदु आवेश क्या बोलते हैं इसको बिंदु आवेश ठीक है तो अगर इसमें एक कुलम चार्ज है, कितना कुलम चार्ज है एक कुलम चार्ज है तो अगर पॉइंट चार्ज है बहुत छोटा पॉइंट होगा तो वो एक कुलम चार्ज कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर्ड रहेगा लेकिन अगर मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसको मैं दे रहा हूँ थाउजेंड हंड्रेड या थाउजेंड कुलम चार्ज दियो मान लो थाउजेंड कुलम चार्ज मतलब मान लो कि थाउजेंड चार्जेज है जस्ट अज्यूमिंग ठीक है उसको अपन क्वांटम न्यूक्लियर क्वांटम नंबर्स में नहीं जा था� रहे हैं अपन डर उसी को बात बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा पता है इक्वली हर जगह पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली हर जगह पे क्या होगा इसके स्पेयर है याद रखें सर्कल नहीं है स्पेयर है मतलब एक गोला है ये क्या है एक गोला स्पेयर ठीक है गोला तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके चारों साइड हर जगह पे क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनर एंड आउटर साइड ठीक है अंदर आवेश नहीं होता लेकिन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे लेकिन ध्यान रखें तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं आवेशों का निरंतर वितरण ठीक है कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अगर आ, समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके डेफिनेशन को डेफिनेशन की जरूरत नहीं इसमें मैथमेटिकली जो फार्मूला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है ठीक है अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर निकालते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के लिए मतलब किसी ऐसा वस्तु जिसमें आवेशों का वितरण हुआ समान रूप से उससे अगर किसी एक बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा और तीव्रता उसकी गणना करेंगे अच्छे समझेंगे बहुत आसान है सबको समझ में आएगा ठीक है तो मान लें कि यहाँ पे कोई ऐसा करके कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है जिसपे जो कंप्लीट चार्ज है वो क्यूब है जैसे उसमें थाउजेंड था ना तो यहाँ कंप्लीट क्या चल रहा है क्यूब है बात समझ में उसमें थाउड था तो इसमें क्या चल रहा है क्यों चल रहा है तो इसका एक छोटा सा पार्ट लूंगा मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसको छोटे छोटे भाग में बाई बांट लिया मान लो इसके अंदर एक छोटा सा भाग है जिस पर आवेश क्या चल रहा है डी क्यू याद रखना बच्चों डी कब लगाते हैं डी तब लगाते हैं जब आवेश का एक छोटा सा मान निकालना हो एक पार्शियल वैल्यू निकालना हो एक आंशिक मान निकालना हो एक छोटा सा मान निकालना हो ठीक है तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो आवेश क्यूँ है जो आवेश क्यू है वो छोटे छोटे बहुत सारे खंडों में टूट चुका और सभी खंड का पर आवेश की मात्रा सेम ठीक है सभी खंडों का आवेश को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा क्यू जो सारे पार्टिकल जो ब्रेक हुए हैं वो सारे पार्टिकल्स को मैं अगर जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा बात यहां तक समझ में आ गया ना तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अब मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज है या पॉइंट चार्ज आप टेस्ट चार्ज भी ले सकते हो टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज चार्ज भी ले सकते हो और पॉइंट चार्ज भी ले सकते हो ठीक है इसको बोलते हैं बिंदु आवेश बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश ठीक है दोनों में से कोई एक आप ले लेना ठीक इन दोनों में से कोई एक लेने के बाद हमको निकालना है कि इस छोटे मतलब इस पूरे के कारण इस पूरे के कारण इस जगह पे वो कितना बल और कितनी तीव्रता का वो अनुभव कर रहा है ठीक है तो हम इसको लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज ड्यू टू द बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है कोई ऑब्जेक्ट है या इसी में अपन तीव्रता भी निकाल लेंगे तो यहां पे लिखेंगे बिंदु आवेश बिंदु आवेश द्वारा द्वारा किसके कारण पिंड के कारण पिंड या वस्तु के कारण लगने वाला बल अपने को फोर्स निकाल ठीक है आप ये मान के चलेंगे कि इसमें क्या चल रहा है ये छोटे छोटे और भी पार्ट्स होंगे इसके है ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होंगे हर चा हर पार्ट का वैल्यू क्या होगा डी क्यू ठीक है हर पार्ट का वैल्यू क्या होगा डी क्यू ये इतना मान के चलें आप ठीक यहाँ तक ले लिए तो हम इन दोनों सबसे पहले छोटा सा पार्ट का बल निकालेंगे अच्छा आप एक बात बताओ कि यहाँ पे दो आवेश है ठीक है हम कुलम लॉ पढ़े हैं ना कुलम लॉ में फर्स्ट का पढ़े थे कि जो एफ होता, हो, होता है वो होता है क्यू वन इंटू क्यू टू ठीक है हम कुलम्स लो में पढ़े थे कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता क्यू वन इंटू क्यू टू अगर क्यू वन का वैल्यू कम है और क्यू टू का वैल्यू भी कम है ना तो फोर्स दोनों के बीच में क्या होगा कम लगेगा कहने का मतलब मैं अगर किसी से लड़ रहा हूं अगर मैं कमजोर हूँ सामने वाला कमजोर है तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो भी कम लगेगा ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले रहे हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है तो वैसे पॉइंट चार्ज वैसे ही कम होता है तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच ठीक है बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच फोर्स बिटवीन डी क्यू एंड क्यू नॉट ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बल का वैल्यू कैसे निकालते हैं फोर्स तो फोर्स क्या होगा डी यहाँ पे डी क्यों लगाया क्यों डी लगाओ क्योंकि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो भी स्मॉल हो जाएगा क्यों क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है छोटे छोटे चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है तो वन अपॉन फोर पाइव नॉट और ये साथ में क्या हो जाएगा डी क्यूब और साथ में क्यू नॉट नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या चल रहा है आर स्क्वायर साथ में यहाँ पे आर कैप दे देंगे यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई यार यहाँ पे डी क्यू क्यों याद करो फार्मूला क्यू वन क्यू टू क्यू वन के जगह पे मैं क्या लिखा डी क्यू और क्यू टू के जगह पे क्या लिखा मैं क्यू नॉट क्लियर यहां तक आ गया अब ये तो छोटे से पार्ट लिए निकला अब मान लो कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है ना अगर संपूर्ण पिंड के कारण निकालेंगे तो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल फोर्स टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं वहां पे चार्ज ठीक है तो यहां पे लिखेंगे परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला कुल बल टोटल फोर्स निकाल रहे हैं तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा याद रखें अगर आप पढ़े हैं तो कुल बल अगर एफ है तो छोटे छोटे सभी बलों को मुझे जोड़ना पड़ेगा सभी सभी छोटे छोटे सभी बलों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा कहाँ तक जितने बल होंगे बात समझ में आ रहा है ना सिंपल है यार ये भी फोर्स लगाएगा ये भी फोर्स लगाएगा ये भी सबके बीच में फोर्स लग रहा है जब सभी फोर्स को निकाल दूंगा तो टोटल फोर्स निकल जाएगा बात समझ में आ रहा है ना तो अब क्या करेंगे अपन इसको कभी भी हम लोग अब हम लोग थोड़ा सा हायर क्लासेस में आ गए अपन जो तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा तो हायर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान पर रखेंगे जब भी अपन जोड़ने का काम आता है ना तो या तो इंट्रीगेशन यूज करते हैं या तो समेशन यूज करते हैं क्या बोला मैं या तो इंट्रीगेशन यूज करते हैं या तो समेशन यूज करते हैं इंट्रीगेशन का यूज अपन नॉर्मली करते हैं समेशन का यूज तब करते हैं जब अपने पास लिमिट दिया हो कि इतनी क्वांटिटी में है यहाँ क्वांटिटी पता है कितने पार्ट अगर एक ईटा को लेता हूँ छोड़ देता हूँ तो कितने पार्टिकल होंगे बता सकते हैं क्या नहीं तो मुझे मजबूरी होगा कि यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा इंट्रीगेशन यूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं इंट्रीगेशन यूज़ किया ठीक है इन सब को एक ही बार लिख देंगे बस तो इंट्रीगेशन डी एफ का वैल्यू तो पता है क्या चला डी एफ का वैल्यू वन अपॉन फोर पाई स्लॉन नॉट डी क्यूब और साथ में क्यू नॉट नीचे आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कैप होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया यहाँ तक आ गया ठीक तो आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं वहाँ तो लिख दे रहा हूँ तो ये यह देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू ये क्या होता है कांस्टेंट होता है तो जो कांस्टेंट होता है उसको अपन बाहर कर देते हैं ठीक है वन अपॉइंट फोर पैप्स नॉट कॉन्स्टेंट था और क्यू नॉट जो है वो एक परीक्षण आवे से वो भी कॉन्स्टेंट है डिस्टेंस वेरी कर सकता है तो इसलिए अपन डिस्टेंस को अलग रख रहे हैं तो डी क्यूब और साथ में आर स्क्वायर साथ में आर क्यूर ये फार्मूला निकल गया किसके लिए बल के लिए ठीक जब भी पल लगेगा किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे ठीक है ये DQ क्या तो तो टेंशन लेने की पूरा फिजिक्स आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ठीक है कंटिन्यू होपफुली आपको यहां तक पूरा अच्छे समझ में आ गया ठीक है और इसको ना एक और एडवांस लेवल पे अगर लेके जाना है ना तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा सा आईआईटी लेवल और जेई लेवल हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं आपको उस लेवल तक भी लेके चला जाऊंगा ठीक है ओके okay. तो फटाफट नोट कर लिए होंगे तो अब हम यहाँ से बात करेंगे अब हम तीव्रता के लिए बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे तीव्रता के लिए इंटेंसिटी के लिए अगर हम इंटेंसिटी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम जानते हैं वी नो दैट यहां पे लिखना है हम जानते हैं कि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं एफ इज इक्वल टू अगर कंप्लीट वैल्यू अगर लेता हूँ एफ का वैल्यू अगर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ई वैक्टर बाय एफ वैक्टर बाद नीचे आता क्यूब अब एक क्यू कौन सा होता है ये इसमें का क्यू होगा कि ये वाला क्यू होगा मैंने पिछले क्लासेस में बार बार बताया कि जो क्यू नॉट होता है वो हमेशा कौन सा होता है टेस्ट चार्ज वाला होता है कौन सा होता है टेस्ट चार्ज वाला तो यहाँ पर क्या होगा क्यू नॉट तो ई इज इक्वल टू जो फाइनली निकला है इसका वैल्यू कितना है वन अपॉन फोर पाई सॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यूब आर स्क्वायर आर वैक्ट और इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है क्यू नॉट तो ये दोनों क्या होगा कट गया तो फाइनली जो निकलेगा वो वन अपॉन फोर पाई स्लोन नॉट इंट्रीगेशंस डी क्यूब आर स्क्वायर साथ में ये ये कंप्लीट वैल्यूज ठीक है तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में अपन इस तरीके से फोर्स भी निकाल सकते हैं इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं लेकिन कंटीन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो एग्जैक्टली exactly डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है ठीक है आपके पास तीन तरीके के सर्फेस हो सकते हैं ठीक है ठीके? अगर मैं एक तरबूज की बात करूं तो उस तरबूज में क्या क्या मिलेगा उस तरबूज में मुझे वॉल्यूम भी मिलेगा अगर पूरे तरबूज को लूंगा मैं तो तरबूज को ले देंगे तो कैसा होगा थ्री में आएगा मतलब उसमें आयतन भी मिलेगा तीन बीमाओं के अंतर्गत आएगा इसलिए उसमें आयतन भी मिलेगा अगर उस तरबूज को मैं अगर बीच से काट के एक स्लाइस अगर निकाल देता हूँ एक पतली सी परत अगर निकाल देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा वृत्त मतलब क्षेत्रफल मिल जाएगा ठीक अगर उस तरबूज को मैं क्या करता हूँ तरबूज को अंदर काट के सिर्फ एक रिंग बना देता हूँ एक वलय बना देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा एक रेखी आवेश so, तीन प्रकार का आवेश घनत्व होता है तीन प्रकार के आवेश घनत्वों को जोड़ने के बाद तब बनता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो इसको फटाक से नोट करें फिर मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को लेके ठीक है ओके फटाफट अब हम बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, तो के टाइप जो होते हैं वो तीन तरीके का होता है एक होता है वॉल्यूम आयतन आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक होता है सर्फेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं पृष्ठी आवेश घनत्व एक क्या होता है रेखी आवेश घनत्व इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी कितने टाइप में होते हैं तीन टाइप में होते हैं ठीक है मैं बता दे रहा हूं आपको ठीक है एक होता है चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का होता इसको है, है इसको बोलते हैं आवेश घनत्व क्या बोलते हैं इसको आवेश घनत्व ठीक एक होता है आयतन आवेश घनत्व इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व एक होता सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है जिसको बोलते हैं पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व एक होता है लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व बात समझे इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैमडा से ध्यान पे रखेंगे अभी मैं एक एक को लेकर डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ तो चिंता की बात नहीं है तो हम सबसे पहले अच्छा इन तीनों को जब जोड़ देंगे ना इन तीनों का जब जोड़ देंगे ना जैसे मान लो मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो वॉल्यूम के लिए जो फोर्स लगेगा सरफेस के लिए जो फोर्स लगेगा लीनियर के लिए जो फोर्स लगेगा इन तीनों को जोड़ दूंगा ना तब आ जाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात को ध्यान से समझ लें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं तीनों को जब जोड़ दूंगा तब जाके कंटिन्यूस आएगा कंटिन्यूस जो होता है वो पर्टिकुलर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है और लिनियर पे भी डिपेंड करता है मतलब कंटिन्यूस जो निरंतर आवेश वितरण जो है वो सिर्फ आयतन पर निर्भर नहीं करता वो पृष्ठ पर भी निर्भर करता है और रेखी पर भी निर्भर करता है कंटिन्यूअस जब भी निकालने बोलेगा तो आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा अगर आप सी बी एस हो तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा अभी और आपका टारगेट अगर आई आई टी नीट है तो थोड़ा इसको अच्छे से देख लें बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं मैं तो कुछ क्वेश्चन अभी इस क्लास में ऐसा बताऊंगा जो आपके जई वगैरह में पिछले साल मतलब पिछले वर्षों में पूछा हुआ है जो आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ठीक है तो आप बने रहें देखते रहें ठीक है और इसी में अगर इंटेंसिटी अगर कंटिन्यू निकालना है कंटिन्यूस सी ओ एन का मतलब होगा कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी ठीक है अगर वो निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा ई वॉल्यूम ई सिग्मा और क्या हो जाएगा ई e लैम्डा तीनों को जोड़ेंगे तब तीनों को क्यों जोड़ते हैं अपन एक को लेके क्यों नहीं निकालते अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक को लेके क्यों नहीं निकालते तीनों को जोड़ना जरूरी जो है क्या भाई तो यस मैं आपको बताता हूँ क्यों उसका कारण यह है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक तरबूज है मैं आपको तीनों कंडीशंस को बता रहा हूँ एक तरबूज है ऐसा करके ठीक है जो मतलब भरा हुआ एकदम ठीक अगर पूरे तरबूज को लूंगा तो मुझे निकालना पड़ेगा वॉल्यूम क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम अगर तरबूज के कुछ भाग को लेके निकालता हूं ऐसे ठीक है कुछ भाग को लेके निकाल एक स्लाइस लेके निकालते हैं स्लाइस मतलब है। बीच से काट दो तो ऐसा निकलेगा तो इसमें निकलेगा सरफेस अगर तरबूज के मैं सिर्फ पर्त को ले रहा हूँ मतलब सिर्फ पर्त को ले रहा हूँ सिर्फ ये पर्त को ले रहा हूँ तो मुझे निकालना पड़ेगा देखिए बात समझ में आ रहा ना मुझे निकाले शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको मैं इसको ऊपर बना ले रहा हूँ ठीक है अगर मुझे इसके एक लेयर को निकालना पड़ेगा तो उसका लेयर कैसा होगा ऐसा करके उसका लेयर होगा ठीक तो ये जो होगा उसका लैमडा होगा तो इन तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ूंगा ना तब मुझे निकल पता चलेगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है समझ में किसी भी चीज़ का कंटिन्यू चार्ट डिस्टिंग बहुत कम जगह पूछा लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कंटिन्यू आपको पूछेगा तो एग्जाम में सिर्फ एक एक पूछता है या तो वॉल्यूम पूछेगा सरफेस पूछेगा या तो पूछेगा क्या लीनियर इतना पढ़ लिया तो आप ब्रह्मा तो वैसे ही बन गए क्योंकि इतना नॉलेज तो आपके बुक में भी नहीं दिया होगा ठीक है डिटेल्स में इतना डिटेल्स तो आपको बुक में भी नहीं दिया लेकिन मैं पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ तो ध्यान पर रखें कंटिन्यूस जब भी कंटिन्यूस बहुत कम जगह पूछा एन एसर क्वेश्चन वगैरह में है ठीक अगर कंटिन्यूस पूछेगा ना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम सरफेस और लीनियर तीनों को निकालना पड़ेगा तब आप कंटिन्यूस आएंगे तीनों क्यों निकालते हैं मैंने उसका भी रीजन बता दिया पॉज करके कर फिर समझ लें नोट करना नोट कर, कर लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं ठीक ओके okay, पॉज कर लें समझ लें ओके okay, अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पहले चार्ज डेंसिटी होता क्या है आवेश घनत्व तो होता क्या चीज है पहले आवेश घनत्व तो को समझते हैं पहले ठीक है कि आवेश घनत्व तो होता क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है आवेश घनत्व मैं आपकी आपको घनत्व का जो मतलब है जो डेंसिटी है पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है मान लो एक क्लास में दस बच्चे हैं एक क्लास में दस बच्चे हैं और इस क्लास में दस कुर्सियां हैं मतलब दस टेबल है लंबा लंबा जो टेबल आता है ना दस टेबल है हर हाँ टेबल में एक एक बच्चा बैठा हुआ ठीक तो हम पूछेंगे कि इस क्लास की डेंसिटी कितनी है तो हम बोलेंगे कि दस स्टूडेंट की डेंसिटी है मतलब दस छात्रों का घनत्व है इस क्लास में ठीक है और एक एक का कुर्सी में कितने बच्चे बैठे हैं एक चलो तो एक कुर्सी का घनत्व कितना होगा एक अब मान लो उसी क्लास में सौ बच्चे आ जाते हैं ज़्यादा हो गए चलो पचास बच्चे आ जाते हैं तो एक, -एक टेबल में टोटल कितने बच्चे बैठेंगे पाँच पाँच तो एक टेबल में बच्चों की संख्या कितनी हो गई पाँच समझ में आ रहा ना तो एक टेबल बच्चों की संख्या पाँच सौ तो पूरी क्लास में कितना हो गई पचास तो घनत्व तो बड़ा कि कम हुआ घनत्व तो बढ़ गया तो वही बताना चाहता है कि प्रत्येक टेबल में बच्चों की जो संख्या है वो बताता है घनत्व तो। अगर आयतन लूंगा तो प्रत्येक आंक आयतन में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे उस चार्ज को अपन क्या बोलेंगे उस चार्ज की जो नंबर होगी क्वांटिटी होगी उस चार्ज की क्वांटिटी हुई अपन क्या बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी मैं फिर से बताऊं आपको समझ में ही आएगा टेंशन की जरूरत नहीं है ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं फिर से मैं आपको समझा रहा हूं समझ लें ठीक है मान लो की एक गोला है मतलब स्पीयर ठीक है एक स्पेयर है और इस स्पेयर में टोटल चार्ज कितना है क्यूब है टोटल चार्ज कितना क्यूब ठीक है अब सोचो कि इसके एकांक आयतन में मतलब एक छोटे से आयतन में छोटे सा जो एक वॉल्यूम होगा इसका उसमें चार्ज की क्वांटिटी कितनी है तो मान लो कि छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज की क्वांटिटी है वो डी क्यू है थोड़ी देर पहले बताया था डी क्यू क्या वहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी है तो जो घनत्व होगा वो क्या बताएगा इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बताता है द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है एकांक आयतन में आवेशों की संख्या मैं इसको एक अलग तरीके से समझाऊं समझने की कोशिश करना ठीक है एक मीटर अपन क्या लेते हैं एक मीटर एक किलोमीटर का एक किलोमीटर की दूरी ले लो आप एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पता है ना था। थाउजेंड मीटर होते हैं ठीक इस एक किलोमीटर में हजार लोग खड़े हैं कितने लोग खड़े हैं हजार लोग खड़े हैं तो एक मीटर में कितने लोग खड़े होंगे दस लोग तो खड़े होंगे बात समझ में आ रहा है ना क्योंकि एक मीटर वैसे चल रहा है ना तो बात तो समझने की कोशिश कर रहे हम जो यूनिट होता है जो एकांक को लेते हैं एकांक का मतलब क्या होता है एकांक वॉल्यूम में पूरे आयतन में नहीं एक एक छोटे से आयतन में कितने आवेश हैं उन आवेशों की जो संख्या होगी उस संख्या को अपन क्या कहते हैं आयतन आवेश घनित तो ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एकांक आयतन में मतलब आयतन एकदम छोटा है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगा छोटा होगा एकांक आयतन बोला तो इसीलिए अपन क्या लेंगे डी बात को समझ लें इसका मात्रक याद रखें आवेश का मात्रक होता है कुलाम क्या होता है कुलम कुलम और इसका मात्रक होता है आयतन का आयतन का होता है मीटर क्यूब मीटर क्यूब लेकिन जो हम लेते हैं सरफेस वो बहुत छोटा होता है इसलिए सेंटीमीटर में इसको डिनोट करते हैं तो याद रखना स्टेट कुलम मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू तो कुलम स्टेट कुलम पर सेंटीमीटर क्यू या कुलम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है ठीक अगर एक गोले के लिए निकालेंगे तो अगर इस गोले की त्रिज्या कितनी है आर है कैपिटल आर है तो कितना हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू तो डी क्यू उसका आयतन अगर निकालते हैं इस पूरे का अगर आयतन निकालेंगे आयतन कितना होगा इसका बताइए आयतन कितना होगा अगर छोटे से का ना लेके अगर पूरे का निकालेंगे चलिए मैं आपको पूरे का निकाल के दिखा रहा हूँ पूरे का अगर आवेश घनत्व निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चार बटे तीन पाई आर क्यू फोर बाई थ्री क्यों आया क्योंकि गोले का आयतन क्या होता फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो ये ऐसा निकल गया या इस फार्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ डी क्यू इज़ इक्वल टू रो के साथ डी वी इसको त्रिक गुणा कर दिया dq का वैल्यू नहीं इसका क्या फायदा होगा चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं वी नो दैट द फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एफ का फार्मूला निकाले थे एफ इज इक्वल टू क्या था वन अपॉन फोर पाइफ नॉट क्यूब और अंदर क्या था डी क्यूब आर स्क्वायर आर कैप याद है अभी तो निकाला था थो थोड़ी देर पहले डी तो क्यू का वैल्यू कितना चल रहा है उस डी क्यू का वैल्यू आया एफ वन अपॉन फोर पा एफ नॉट क्यू नॉट डी क्यू का जो वैल्यू है वो आया रो डी वी आर स्क्वायर आर कै आसान है निकाल लेंगे लेकिन ये वॉल्यूम का निकला तो फोर्स में क्या लिखूंगा इसमें वॉल्यूम ठीक इंटेंसिटी निकालने बोलेगा तो वो भी याद है हमको क्या होता है इंटेंसिटी ये भी वी का वन अपॉइन फोर पा एफ नॉट उसमें ये नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू आर स्क्वायर आर कै तो अब वन अपॉन फोर पाई लॉन नॉट डी क्यू का वैल्यू कितना है रो डी वी आर स्क्वायर आर कै ये इंटेंसिटी है आसान समझ में आ गया ना डाउट लेने की जरूरत नहीं घनत्व का मतलब क्या होता है घनत्व का मतलब ये होता है कि एकांक लंबाई में जितने आवेश होंगे या एकांक आयतन आग में जितने आवेश होंगे एकांक आयतन आग में जितने मान लो इस पूरे का जो आयतन है वो कितना है हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर में कितने होंगे एक से एक वन क्यूबिक सेंटीमीटर में एक घन सेंटीमीटर में जितने आवेश होंगे बात समझ में आ है ना एक घन सेंटीमीटर में जितने आवेश होंगे उन आवेशों की जो मात्रा होगी उसी को क्या कहते हैं इसका आवेश घनत्व क्लियर तो अच्छे से नोट करें इसका यूनिट वगैरह याद रखें कॉम्पिटेटिव इसके यूनिट्स वगैरह पूछता है और बहुत आसान क्वेश्चन बनता तो फटाफट नोट करें फिर अपन आगे चलते हैं नोट करने का समय दे रहा हूं मैं हमने आज की क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ठीक अब अपन पढ़ रहे हैं एरिया ठीक है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस लिखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी अपन डेंसिटी पे बात कर रहे हैं ना तो डेंसिटी लिखेंगे ठीक है डेंसिटी ठीक है जिसको लिखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व मैं जो बता रहा हूं उसको तो अच्छे समझने की कोशिश करें मान लें कि ये वही स्पेयर है ये क्या स्पेयर है स्पेयर है। का मतलब गोला गोला क्या है एक गोला है भरा हुआ है ठीक है इससे बहुत सारे चार्जेस हैं बहुत सारे क्या है चार्जेस हैं बस यही सोचना अपन न्यूक्लियर्स उसके क्या बोलते हैं क्वांटम नेचर पे नहीं जा रहे हाँ इसका एक पार्ट में निकाल रहा हूँ ऐसे ये निकाल दिया एक पार्ट एक हिस्सा निकाल के अलग कर दिया बेहतरीन तरीके से समझा समझ में आएगा तो इस पर भी चार्ज होगा एक हिस्सा मतलब सामने का एक पर्थ निकालो एक, निकाल एक लेयर निकाल दिया इसका ठीक है सामने का एक लेयर निकाल दिया ठीक तो इस पर भी चार्ज होगा तो इस पर जो चार्ज होगा अपन छोटे से चार्ज की बात करते हैं जो एक पॉइंट चार्ज जो होगा वो क्यू नॉट होगा जो डिस्टेंस है वो आर होगा जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं पहले वॉल्यूम के लिए बात किए थे आप किसके लिए बात कर रहे हैं एक लेयर एक सरफेस को लेकर बात कर रहे हैं तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से सिग्मा क्या होता है द चार्ज प्रेजेंस द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंस ऑन यूनिट एरिया द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंस ऑन यूनिट एरिया यूनिट एरिया ठीक है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा ठीक सिंपल है यार बहुत आसान है एक ही बार में समझ में आएगा मैं जो कह रहा हूं उसको सोचे क्या आप कह रहा हूं कि इसका पूरा एरिया इतना बड़ा है उसका जो एक यूनिट एरिया होगा एक यूनिट एरिया होगा उस यूनिट एरिया में जितने चार्ज होंगे मतलब अब सोचो हमारा पूरा बोर्ड जो है हमारा पूरा बोर्ड एक मीटर ऐसे एक मीटर ऐसे और एक मीटर ऐसे है। ठीक है उसके एक सेंटीमीटर में बहुत मतलब उसमें पूरे चार्ज भरे हुए हैं ठीक है एक सेंटीमीटर में जितने मतलब एक सेंटीमीटर ऐसे एक सेंटीमीटर ऐसे और एक सेंटीमीटर ऐसे में जितने चार्ज होंगे उन आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं उसका घनत्व कहते हैं सिंपल समझ में आया ना तो उसके डेफिनेशन के बेसिस पे मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा डी क्यू क्योंकि अपन छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी ए ए का मतलब होता है एरिया इसका मतलब तो था ये आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या, क्या होता है कुलम क्या होता है कुलम और हिंदी में लिखते हैं कुलम अपन पढ़ चुके हैं इसको पहले भी बहुत बार आवेश एरिया है तो ये तो क्या होगा क्षेत्रफल 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 का मात्रक क्या होता है या तो मीटर स्क्वायर ठीक है या हिंदी में लिखेंगे मीटर का स्क्वायर लेकिन एरिया बहुत छोटा होता है इसलिए अपन स्ट्रेट कुलम और पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं ठीक ये इसका यूनिट हो गया बात समझ में आ गया इसको आप अच्छे से याद रख लें ठीक अब अगर वही फोर्स की बात करूँ अगर वही फोर्स की बात करूँ अगर यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊँ अगर सिग्मा डी क्यू बाय डी ए है तो अगर डी क्यू का वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा के साथ क्या आ जाएगा डी ए ये आ जाएगा तो हम जानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या था अब एरिया के लिए निकाल रहा हूँ अब किसके लिए निकाल रहा हूँ एरिया के लिए अब एरिया के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट फोर पाइफ स्लोन नॉट ये क्यू नॉट याद है कि नहीं फिर यहाँ पे क्या था डी क्यू साथ में आर स्क्वायर आर कैप ये था ना आर कैप था लेकिन अब इस डी क्यू के जगह अब इस डी क्यू के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ सिग्मा डी ए तो यहाँ पे होगा एफ ए साथ में वन पॉइंट फोर पाइफ स्लोन नॉट डी क्यू इस पूरे का वैल्यू इस पूरे का वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर डी ए साथ में आर के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनता है इसमें मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल बनता है ये आपका एक फार्मूला कन्वर्ट हो गया अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्षेत्रफल के फॉर्म में तो सब कुछ सेम होता है सब कुछ सेम होता है बस में चार टेस्ट चार्ज होते ही नहीं है टेस्ट चार्ज क्यों नहीं होता क्योंकि हमको पता है टेस्ट चार्ज डिपेंड नहीं करता है किस पर इंटेंसिटी जो होता है वो डिपेंड नहीं करता टेस्ट चार्ज पता है ना क्यों क्योंकि मैं जितना प्रभावी हूँ मैं उतना प्रभाव रहूँगा किसी के प्रेजेंस होने या ना प्रेजेंस होने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट बी नोटेड तो अगर सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे होता उसमें अगर निकालें तो वहाँ पे भी डी क्यू था आर स्क्वायर था साथ में आर कैप था ठीक तो डी एग सॉरी ई ए वन अपॉइन फोर पाइप लॉन नॉट डी क्यू का वैल्यू कितना डी क्यू का वैल्यू था सिग्मा डी ए कैप ये फॉर्मूला तो ये दो फार्मूला आपको आ गया एक वॉल्यूम का भी निकाल लिया हम लोगों ने एक इसका निकाल लिया सरफेस का भी निकाल दिया अब इसके आगे जाएंगे अब इसका एक छोटा सा पार्ट में आगे लेके दिखा दूंगा आपको ठीक है समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल लाइक करें समझ लें अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स में होगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिजिक्स का हर पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ चाहे आप स्टेट लेवल हो सी हो कोई भी बोर्ड से रिलेट करते हो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होगा ज़्यादा डाउट है तो कमेंट में आप मुझे डाउट को कर देना मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको रिप्लाई करके भी समझा सकता हूँ ठीक है ओके थैंक यू फटाफट नोट डाउन ओके okay, अभी अपन कंटिन्यूस के बारे में बात किए वॉल्यूम बात किए एरिया बात किए अब अपन लीनियर के बारे में बात, करें। बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी तो अब होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है अब मैं आपको फिर से सिस्टम समझाता हूं सबसे पहले अपन क्या लिए थे पूरा स्पेयर स्पियर का मतलब एक गोला ले लिए थे ठीक है ये स्पेयर था गोला ठीक अब इस गोले का एक छोटा सा भाग लिए थे अपन याद होगा लिए थे ना अब इसका एक छोटा सा परत ले लो मतलब ऐसा ऐसा करके लाइन तो के हमारे पास क्या बच जाएगा अगर ऐसा ले रहे, जैसे लेना तो इसमें आवेश ऐसे होंगे इसका एक भाग बात समझ में आ गया ना तो अब इस पर आवेश तो इस पर आवेश कितना होगा एकांक आवेश पे तो याद रखें कि अब मैं जो निकाल रहा हूँ क्या निकाल रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में निकाले तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की संख्या ठीक है द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंस ऑन यूनिट वॉल्यूम था एरिया में आते तो क्या हो गया था एकांक एक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंस ऑन यूनिट सरफेस एरिया ठीक अब किसमें आ गए लाइन में आ गए तो लाइन मतलब एक रेखा एक सीधी रेखा तो एकांक एक लंबाई ठीक है एक एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंस ऑन यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ बात समझ में आ गया अगर एक मीटर लंबा है तो एक सेंटीमीटर में जितना प्रेजेंस होगा उसी को उसका क्या कहते हैं ठीक है नंबर्स को डिफाइन करता है डेंसिटी पॉइंट भी नोटेड नंबर को डिफाइन करता है तो यहां पे क्या होगा द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ ठीक है एकांक एक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या ठीक तो ये हो गया अब एकांक लंबाई छोटा सा लेंथ ले रहा हूं छोटा सा लेंथ ले रहा हूं इसी कुल लंबाई मान लो त्रिज्या के आधार पे भी निकाल सकता जैसे भी निकालना तो इसको छोटा सा जो लंबाई है उसको मैं एल ले लिया ठीक छोटा सा लंबाई डीएल ले लिया और इसमें चार्ज कितना है डी क्यू है तो ये कितना हो जाएगा डी क्यू बाय डी इसके लिए जब अपन लिए थे तो छोटा सा आयतन लिए थे क्या लिए थे डी वी डी वी में कितना प्रजेंस था डी क्यू इसके लिए जब लिए तो एरिया इस एरिया इस पूरे का एरिया अगर ए था इसका वॉल्यूम वी था इसका एरिया अगर ए था तो छोटे से का एरिया क्या था डी ए तो यहाँ पे चार्ज क्या था डी क्यू इसकी कुल लंबाई अगर एल है तो डी एल डी क्यू छोटे से पार्ट की बात कर करें टेंशन लेने की जरूरत नहीं समझ में आ गया होगा तो ये चार्ज का होता है कुलम चार्ज का यूनिट क्या होता है कुलम ठीक है हिंदी में लिखते हैं कुलम ठीक और लंबाई क्या होता मीटर लंबाई क्या होता मीटर लेकिन कुलम को अपन स्ट्रेट कुलम लिखेंगे मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर क्योंकि बहुत छोटे से एरिया के लिए अपन बात करते हैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें तो डी क्यू इज इक्वल टू एल डी एल आ जाएगा क्या सिग्मा लैमडा डी एल आ जाएगा तो फिर हम फोर्स के निकालते हैं तो हम जानते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम वी नो दैट ठीक है वी नो दैट द फोर्स ऑफ लेंथ लेंथ के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि लीनियर लेंथ के लिए आता है वन अपॉन फोर पाइप स्लोन नॉट क्यू नॉट साथ में क्या होगा डी क्यूब आर स्क्वायर आर कैप तो एफ एल वन अपॉन फोर पाइप नॉट क्यू नॉट और डी क्यू का जो वैल्यू है वो कितना है एल लेमडा डी एल और साथ में क्या होगा आर स्क्वायर आर कैप ठीक ये इसका फार्मूला है या इसको मैं इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखूंगा तीव्रता के रूप में तो वन अपॉन फोर पाइफ स्लोन नॉट तीव्रता का फार्मूला क्या होता है यहां पे क्यू नहीं होता यहां पे क्यूब नहीं होता है लेकिन साथ में यहां पे क्या होता है डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप तो उस डी क्यू का वैल्यू यहां से लेकर रख दूंगा तो ई एल इज इक्वल टू फाइनली हमको मिलेगा वन अपॉन फोर पाइफ स्लोन नॉट डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया लैमडा डी एल आर R कैप R बात समझ में आ गया तो आप कितना चीज़ निकाल लिए एरिया का वॉल्यूम का निकाले निकाल एरिया का निकाले आप किस निकाले लाइन का ये फार्मूलाज आपको आना चाहिए और इजी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है टफ तो है ही नहीं आसान है चीज़ों को समझे रटना नहीं है समझना है समझेंगे तो आपका फिजिक्स बेस्ट होगा रटना नहीं है मेरे पूरे सिस्टम में मैं आपको पूरी फिजिक्स में ना कहीं पर भी रटने नहीं दूंगा सिर्फ समझाऊंगा और आप समझेंगे भी ठीक है तो फटाफट नोट करें फिर इसके आगे की बात करें और मेरी बात पे बिलीव करें मैं आपको ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ इसी से रिलेट करते हुए मैं आपको आई टच कर दूँ कैसा लगेगा अगर ये जो पढ़े हैं इसी से बारहवीं पढ़ रहे हैं टच करते हुए आई अपन कनेक्ट कर लें बहुत आसान होगा ठीक है तो फटाफट नोट कर लें फिर आगे चलते हैं तो मैं आपको दो मिनट एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ पॉज करके आप नोट कर लेना ठीक है पॉज करके नोट कर लेना फिर मैं इन तीनों को लेके बता दे रहा हूँ साथ में एक साथ ठीक है चलिए हो गया होगा पॉज करके नोट कर लेना बाद में प्रेजेंटली आप देखते जाए अभी नोट ना करें बाद में आप पॉज करके देखें एक बार देखें फिर दोबारा पॉज करके लिखें अब मैं कुछ बता रहा हूं ध्यान से समझे इसके लिए जो निकाला था फोर्स वॉल्यूम के लिए वन अपॉन फोर पाइप बताओ आप लोग बताओ कितना था ये था डी क्यूब था ना डी क्यू तो डी क्यू को अपन चेंज किए थे किसे चेंज किए थे रो आर साथ में आर कैप था याद होगा और इसके लिए इंटेंसिटी कितना निकाले थे अपॉन और साथ में क्यू नॉट था बाहर है ना वन अपॉन फोर पाई स्लोन नॉट क्यू नॉट इसमें नहीं था रो बाय आर स्क्वायर डी वी आर कैप देख लें आप कॉपी अगर नोट कर रहे हैं साथ में तो आप कॉपी में पलट के देख लें यही था वन अपॉन फोर पाइफ स्लोन नॉट क्यू नॉट और यहाँ पे जो आया था सिग्मा आर स्क्वायर साथ में क्या था डी ए आर कैप अगर इसके लिए बात अच्छी इसके लिए इंटेंसिटी की बात करूँ इंटेंसिटी तो पता है ना कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो वन अपॉन फोर पाइप लोन नॉट सिर्फ इसमें एक चार्ज नहीं रहता है क्यू टेस्ट चार्ज नहीं रहता है डी ए आर कैप अगर इसकी बात करूँ ई किसके लिए लाइन की अगर बात करूँ तो वन अपॉन फोर पाइप लोन नाट क्यू नॉट साथ में क्या था लैमडा आर स्क्वायर आर स्क्वायर साथ में डी एल आर कैप अगर इंटेंसिटी की बात करूं वन अपॉन फोर पाइप नॉट इसमें क्यू नॉट नहीं था इसमें क्यू नॉट नहीं था लैमडा आर स्क्वायर डी एल साथ में आर कैप याद है कि नहीं याद है अब बारी आ गई है कंटिन्यूस इंटेंसिटी की मतलब निरंतर तीव्रता जो निकालना वो कैसा होगा तो मैं आपको पहले ही बता दिया था जो कंटिन्यूस होता है वो क्या होता है वो वॉल्यूम को भी जोड़ता है वो एरिया को भी जोड़ता है और वो क्या करता है लाइन को भी जोड़ता है अगर आप अपनी तैयारी बारहवीं की तैयारी और एक पिक लेवल पर करना चाहते हैं एक शिखर लेवल पर करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं तो सारी चीज़ पढ़ लें बहुत आसान चीज़ है जब इन सबका वैल्यूज़ ला के रख देंगे इसमें जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा ना तो तीनों का देखो स्टार्टिंग में सेम है तो उसको मैं बाहर ले लिया वन अपॉन फोर नॉट अंदर क्या बचा एक का बचा रो बाय आर स्क्वायर अच्छा सब में आर स्क्वायर भी था तो आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो सब में आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो साथ में क्या होगा डी वी आर कैप आर कैप को भी बाहर ले लो सब में आर कैप है तो क्या बचा ये सेकेंड का क्या बचेगा सिग्मा डी ए थर्ड में क्या बचेगा एल एलडा डी एल ठीक खत्म तो यहां पे आके आपका खत्म हो जाता कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी ठीक चार्ज डेंसिटी कितने टाइप में था तीन टाइप में था लीनियर सरफेस और वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम को बताया कैसे निकालते हैं वॉल्यूम से सरफेस बताया सरफेस से क्या बताया था लाइन ठीक है वॉल्यूम उस जगह पे निकाला जहां थ्री डी मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ वॉल्यूम उस जगह पे निकाला जहां थ्री डी सरफेस उस जगह पे निकाला जहां पे टू डी ओ और इसको कहाँ निकालते हैं वन डी मतलब एक ही वन डायमेंशन चलेगा एक बीमे में दू बीमी में और त्रिवीमी में ठीक है ईटे को देखते हैं कैसा दिखता है ईटा ईटा कैसा दिखता भी है त्रिवीमी है ठीक है जो ब्रिक्स वगैरह होते हैं वो थ्री थर्ड डायमेंशन होते हैं एक पेज को निकाला एक अपन कॉपी के एक पेज को निकाले पेज कौन सा डायमेंशंस होता है पेज जो होता है टू डी होता है टू डायमेंशंस होता है मतलब वो किस में आ जाएगा इसमें आ जाएगा क्लियर अगर मैं क्या करता हूँ एक पेज को फाड़ के एक छोटा सा जो पेज का जो लाइन है उसको बात करता हूँ तो लीनियर डेंसिटी इन तीनों को जब जोड़ दूँगा तब बनता है कंटिन्यूअस चार्ज के लिए बात समझ में आ गया अब मैं इसके बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ बहुत सारे न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे समझ लें तो आपका ये टॉपिक तो पक्का हो नहीं है कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता ना तो आप न्यूमेरिकल इतना ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं कि नुमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अभी समझ में आए अब एक आध और दो चा मैं करीब करीब सात आठ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये क्या हो गया पक्का हो जाएगा ठीक तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग फटाफट इसको नोट करें पॉज करके फिर आगे चलते हैं ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया इंडिविजुअल वॉल्यूम सरफेस और लीनियर भी समझ लिया अपन ना अब मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ इस न्यूमेरिकल से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मेरा दावा है कि इस टॉपिक में आप ब्रह्मा बन जाएंगे मेरे साथ बने रहें और लाइक तो करें और देखें न्यूमेरिकल्स मैं आपको करीब करीब पाँच से छः न्यूमेरिकल बताऊँगा छः न्यूमेरिकल आप पूरा टॉपिक उड़ा देंगे आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है मेरा दावा है देखें आप तो फर्स्ट जो है मान लो कि एक स्पीयर है एक स्पेयर इस स्पेयर पे जो इनिशियली चार्ज डेंसिटी था सरफेस चार्ज डेंसिटी वो 0.7 पॉइंट कुलम पर मीटर क्यों था पर मीटर स्क्वायर था ठीक है जब ये इसका स्टार्टिंग था ठीक है इसका रेडियस पता नहीं है हमको ठीक है इसका कुछ रेडियस होगा जो भी रेडियस होगा आर जब इसको अपन दे रहे हैं कितना ज़ीरो पॉइंट फोर फोर कुलम चार्ज दे रहे हैं पहले कुछ चार्ज रहा हो उस चार्ज की डेंसिटी इतनी रही थी अब उसके उस चार्ज को बढ़ा के अपन कितना कर देने जीरो पॉइंट फोर फोर कुलम और चार्ज देने से इसकी जो नई डेंसिटी हो जा रही है ना इसकी जो नई डेंसिटी है वो जीरो पॉइंट वन फोर कुलम पर मीटर की हो जा रही है पर मीटर स्क्वायर हो जा रही है ठीक है बढ़ रही है कि घट रही है बता सकते हैं क्या घट गई ना भाई पहले सात लोग थे बात समझ में आ रहा वही चीज़ें तो समझने की कोशिश करें तो अब बताओ अब आपको दो चीज निकालना है इसकी स्पेयर का रेडियस क्या होगा फर्स्ट और सेकेंड निकालना है इस पर इनिशियल चार्ज कितना होगा इनिशियल चार्ज इसका क्या होगा ठीक है मतलब फाइंड द रेडियस एंड इनिशियल चार्ज इनिशियल चार्ज ठीक है त्रिज्या निकालना है और प्रारंभ में आवेश निकालना प्रारंभ के आवेश को निकालना चलिए ट्राई कीजिए बहुत सिंपल है एक ही बार में समझ में आ जाएगा ट्राई कीजिए पॉज करके ट्राई करो तब मैं कंटिन्यू बता दे रहा हूँ तो सुने बात इसको देख के चमक में आना चाहिए यहाँ देख के आपका माइंड क्लिक करना चाहिए सिग्मा दिया है मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय क्या होता है एरिया इसका एरिया अपन कितना ले लिए ए अगर ये क्या है एक स्पेयर है स्पेयर का एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर पता है ना फोर पाई आर स्क्वायर तो सिग्मा वन तभी ये इस नहीं लेते हैं सिग्मा वन का वैल्यू कितना था जीरो पॉइंट सेवन और यहां पे क्यूब फोर पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन अब क्या कर रहे हैं ये केस फर्स्ट था केस क्या था फर्स्ट केस फर्स्ट था अब केस क्या हो रहा है सेकेंड केस सेकेंड में क्या हो रहा है कि जो चार तो ठीक है ना अब सेकंड केस की बात करो सेकंड केस में क्या था कि पहले केस का जो डेंसिटी था वो 0.7 था चार्ज कितना बढ़ा जो पहले का चार्ज था उस चार्ज को बढ़ा दिया कितना पॉइंट फोर फोर ठीक है ना और फोर पाई आर स्क्वायर ठीक क्योंकि उसका सरफेस एरिया लेकिन पहले का डेंसिटी इतना था चार्ज इतना देने पर उसकी डेंसिटी और बढ़ेगी कितना बढ़ गई जीरो पॉइंट वन फोर तो दोनों डेंसिटी जुड़ता है याद रखना क्योंकि पहले दस छात्र थे फिर बीस छात्र आ गए तो टोटल कितना हो गया तीस पहले टेन स्टूडेंट थे फिर ट्वेंटी स्टूडेंट आ गए तो टेन चले जाएंगे टेन तो रहेंगे ही ना भाई तो इसीलिए डेंसिटी इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.84 क्यूब प्लस 0.44 पॉइंट फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है अब इक्वेशन नंबर टू आ गया इक्वेशन नंबर टू में वन को डिवाइड कर दो। तो 0.84 और 0.7 पॉइंट सेवन क्यूब जीरो पॉइंट पाई आर स्क्वायर क्यूब फोर पाई आर स्क्वायर ये सॉरी क्यू नहीं कटेगा ये ये कट गया ठीक अब ये हो गया आ, 84 फोर बाय सेवेंटी दोनों पॉइंट निकाल दो यहाँ से जीरो लग जाएगा क्योंकि दो डिजिट है इतना तो आता ही होगा क्यू 0.44 और नीचे आ गया क्यू ये कटा कितना होगा 5 14 फाइव जा और फोरटीन सिक्स जा क्यूब बाय क्यूब जीरो पॉइंट साथ में होगा Q ये कट गया 6 बाई फाइव इज इक्वल टू वन जीरो पॉइंट फोर फोर साथ में क्यूब तो अगर ये इधर आता है सिक्स बाई फाइव माइनस वन ज़ीरो पॉइंट फोर फोर साथ में क्यूब तो ये इसको जब जाएगा तो वन पॉइंट फाइव क्यों क्योंकि फाइव वन जा फाइव फाइव में से सिक्स जाएगा तो कितना सिक्स में से फाइव जाएगा वन तो जीरो पॉइंट फोर फोर क्यूब यह इधर आ जाएगा क्यूब जीरो पॉइंट फोर फोर इंटू फाइव तो समथिंग कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू के आसपास बचेगा कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू टू या जीरो पॉइंट टू के आसपास बच जाएगा ठीक है इतना आ गया ये मुझे इनिशियल चार्ज निकल गया क्या निकल गया इनिशियल चार्ज निकल गया अब मुझे क्या निकालना रेडियस निकालना क्या निकालना रेडियस निकालना रेडियस निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला ले लो इसी से ले लो रेडियस निकालना है तो क्या करूंगा आर स्क्वायर मैं पूरा डिटेल्स में निकाल दे रहा हूँ अगर नोट करना तो नोट कर लें इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहीं पर निकालते दे रहा देखें सिग्मा वन क्यूब फोर पाई आर स्क्वायर तो अगर आर को इधर ले जाते हो तो क्यूब फोर पाई साथ में सिग्मा वन लेकिन आर स्क्वायर है हटाऊँगा तो क्या आएगा क्यूब फोर पाई सिग्मा वन आर इज इक्वल टू क्यूब का वैल्यू क्यूब का वैल्यू जीरो पॉइंट टू या टू टू होगा जो भी फोर पाई इनिशियली इसकी डेंसिटी कितनी थी जीरो पॉइंट सेवन उस कंडीशनस में जब इसको डिवाइड दोगे तो जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कुछ आएगा बात समझ में आ गए क्लियर है एकदम अच्छे से आप समझ लेना अब इसी के बाद में अब जो क्वेश्चन थे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना इजी आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया देखिए मैं आपको बोला था ना कि जो अपन न्यूमेरिकल बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा कैसे क्लियर किया मैंने बताया था देखो हम क्या सोचते हैं कि डेंसिटी बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा नहीं क्लासरूम का जो साइज है इस स्पेयर का जो साइज है वो साइज वैसे ही रहेगा आ रहे हैं और आते जाएंगे आते जाएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक चीज़ अपन को ये समझ में आ गया कि डेंसिटी पहले जितनी थी अब जो नया आ रहा है वो उसको जोड़ देता है जैसे पहले सात स्टूडेंट बैठे थे आवेश बढ़ने के कारण कितना होगा चौदह स्टूडेंट और आ गए तो सात और चौदह कितना होगा इक्कीस बात समझ में आ रहा ना तो उस तरीके से इसको जोड़ देते हैं क्लियर है होपफुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब ये समझ में आ गया इसके बाद के जो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है तो फटाफट चलते हैं उसको भी क्लियर करते हैं जल्दी से नोट कर लें फटाफट